ये है 2022 की लेक्सस एलएक्स 600। काफ़ी चेंजेस किए इन्होंने इस दफ़ा इस मॉडल में। ये इसका स्टेरिंग व्हील है, अब थोड़ा सा और पतला कर दिया इन्होंने। उसके पीछे इन्होंने पैडल्स दिए हैं गियर चेंज करने के लिए, प्लस यानी बढ़ाने के लिए, माइनस यानी कम करने के लिए। डैश बिल्कुल डिजिटल है, प्लस इस दफ़ा दो कंप्यूटर स्क्रीन है इसमें, ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाली नेविगेशन के लिए, नीचे वाली जो है मल्टीमीडिया और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। तो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ और ड्राइव मोड और बहुत सारे और बटन्स और नॉब्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे फिर वायरलेस चार्जिंग की जगह है, यानी आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी फ़ोन चार्ज कर सकते हैं आप। और साथ में बहुत सारे और बटन्स भी दिए हुए हैं वो ड्राइव मोड्स के लिए हैं। अच्छा, सीट्स इसमें बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और ज़ाहिर है ये लेक्सस है, तो ये टोयोटा लैंड क्रूज़र से कहीं ज़्यादा लग्जरियस है। सनरूफ इसमें सिर्फ आगे पैसेंजर्स के लिए है, पीछे वालों के लिए नहीं है, ये बहुत अजीब सी बात है इसके अंदर। अच्छा, और चले और देखते हैं गाड़ी में क्या है। तो इस दफ़ा जो लेक्सस का मॉडल है उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है बाहर से, मगर अंदर से तो इतना ज़्यादा नहीं। सीट से अगर आप देखें पीछे वालों के लिए, तो वो बिल्कुल पिछले मॉडल्स की तरह ही हैं। वो LCD स्क्रीन्स हैं पहले भी, और अच्छी खासी जगह है क्योंकि ज़्यादा बड़ी गाड़ी है। अच्छा, असल जो चेंजेस उन्होंने किए हैं वो है जैसे ये पीछे का हिस्सा है, उन्होंने इस दफ़ा बहुत सॉफ्ट लाइंस बना दिए हैं। और जो टेल लाइट है इसकी, वो आप जुड़ती है लेक्सस के लोगों के ऊपर। पीछे का बम्पर भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही सॉफ्ट कर दिया है। अच्छा, इसके साथ ये पिछले साल का मॉडल है, मुझे याद नहीं था कि ये इतना छोटा होता था। खैर, चलो नए वाले मॉडल की बात करते हैं। तो नया मॉडल जो है उसमें अब हेडलाइट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, अब बहुत ही पतली हेडलाइट्स कर दी इन्होंने। अब जो ग्रिल का स्टाइल है वो उन्होंने किया है कि रेक्टेंगल लाइंस हैं उसमें, अब जो पत्ते पत्ते रेक्टेंगल्स हैं वो पूरी ग्रिल पे कवर्ड है। तो इसमें एक स्पोर्ट मॉडल भी आता है, उसमें बिल्कुल ब्लैक कलर की ग्रिल होगी, और एयर इनटेक जो साइड में है वो और बड़े होंगे। अच्छा, ब्रावो में इसी में यहाँ पे इसका पिछला मॉडल भी है, आई डोंट नो आंटी रस्से से हट क्यों नहीं। तो इसका डिज़ाइन देखें बिल्कुल डिफरेंट है, प्लस इसका इंटीरियर अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है इसका इंटीरियर। ये देखें तो इंटीरियर आप देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों में बहुत डिफरेंस है। इसमें एक LCD स्क्रीन है बड़ी सी, उसमें दो दरमियाने साइज़ की LCD स्क्रीन है। एक LCD स्क्रीन यहाँ से तो काफ़ी है। अच्छा, बाहर एक्सटीरियर डिज़ाइन इसकी देखें, काफ़ी बोल्ड लुक्स हैं इसके। इस वाले मॉडल के जो है वो बहुत ही सॉफ्ट लुक्स हैं। तो अब आप जब इतनी महंगी गाड़ी खरीदें तो सॉफ्ट लुक्स का क्या फ़ायदा हो, सॉफ्ट लुक्स आप सस्ती गाड़ी पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए इसका पीछे का डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आया है। अच्छा, प्राइस कितना फ़र्क है। पिछले मॉडल में जो सबसे महंगा मॉडल था वो तकरीबन 5 लाख दिरहम से स्टार्ट होता था, ये वाला नया मॉडल अब 5 लाख दिरहम से स्टार्ट हो रहा है। और जो सबसे टॉप रेंज मॉडल है वो है तकरीबन 6.5 लाख दिरहम का। और क्या फ़र्क है, हाँ इंजन का। इसमें क्योंकि LX 570 थी, इसमें 5.7 लीटर यानी 5,700 cc का इंजन था, इसमें अब 3500 cc इंजन है। और 6 सिलेंडर इंजन है, पिछले वाले मॉडल में जो है वो 8 सिलेंडर था, मगर ये नया वाला इंजन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ओवरऑल काफ़ी चेंजेस किए उन्होंने एक्सटीरियर इंटीरियर। और आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अच्छा, एक नज़र मेरे चैनल पर भी ज़रूर जाके देखिएगा, आपको होंडा निसान टोयोटा की गाड़ियाँ और थोड़ी महंगी गाड़ियाँ जैसे रोल्स रॉयस लैम्बोर्गिनी फेरारी मैक्लारेन पोर्श पगानी कोनिसेग इन सब की वीडियोस भी मिलेंगी। तो एक नज़र ज़रूर जाके